दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, दीपेश के मौत का कारण ब्रेन हिमरेज। लेकिन ये ब्रेन हिमरेज क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, ये सभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज के क्या कारण हो सकते हैं? डॉक्टर बताते हैं कि कई शारीरिक स्थितियां ब्रेन हेमरेज का कारण बन सकती है। ब्रेन हेमरेज के प्रभाव अलग अलग आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। यह समस्या सबसे अधिक उम्रदराज लोगों में देखने को मिलती है। शिशुओं में जन्म समय चोट या गर्भावस्था के दौरान माँ के पेट पर लगे चोट के कारण भी ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई अन्य स्थितियाँ भी इस समस्याओं को जन्म दे सकती है। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह एक मस्तिष्क में चोट की गंभीर और जानलेवा समस्याओं में से एक मानी जाती है। यह समस्या कई कारणों से मस्तिष्क में होने वाले रक्तस्राव को संदर्भित करती है। ब्रेन हेमरेज को स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपात चिकित्सा के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। डॉक्टर बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क चारों तरफ से खोपड़ी की संरचना से घिरा हुआ होता है। किसी भी कारण से होने वाले रक्तस्राव की स्थिति में मस्तिष्क ऊतकों में संकुचन या क्षति हो सकती है। यह स्थिति बेहद खतरनाक है, जिसमें लोगों की जान जा सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि किसी भी चोट के कारण जब मस्तिष्क में होने वाला रक्तस्राव मस्तिष्क में के ऊतकों की क्षति का कारण बनने लगता है। इस स्थिति को सेरेब्रल एडिमा के रूप से माना जाता है। कई बार रक्त के धक्के बनने लगते हैं, जिसमें हेमेटोमा कहा जाता है। यह सभी स्थितियाँ ऊतकों पर दबाव बढ़ाती है, जिससे मस्तिष्क को होने वाला रक्त प्रवाह कम हो जाता है और कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। चोट के अलावा कई अन्य शारीरिक स्थितियों के कारण भी ब्रेन हेमरेज की समस्या हो सकती है। आइए इसके बारे में अगले स्लाइड में हम बताते हैं। दोस्तों, सिर में चोट मस्तिष्क में धमनी विस्फार या मस्तिष्क की धमनियों में कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तवाहिकाओं को संबंधित समस्याएं, रक्त या रक्तस्राव संबंधी विकार, लीवर की बीमारी, मस्तिष्क का ट्यूमर, अवैध दवाओं का सेवन, इन पूरी चीज़ों से ब्रेन हेमरेज हो सकती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि हम ब्रेन हेमरेज की पहचान कैसे करें। डॉक्टर बताते हैं, ब्रेन हेमरेज में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनको समय पर पहचान कर रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक होता है। सामान्य तौर पर लोगों को अचानक झुनझुनी, कमजोरी, सुन्नता की समस्या हो सकती है। इसके अलावा चेहरे, हाथ या पैर में लकवा की भी समस्या ये हल्के में नहीं लेना चाहिए। लक्षणों का समय पर पहचान करना सबसे आवश्यक होता है। ऐसी स्थितियों में विशेष सावधानी बरतें। दोस्तों, अब हमें देखेंगे कि ब्रेन हेमरेज से कैसे सुरक्षित रहना है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के अनुसार सभी लोगों को ब्रेन हेमरेज से बचाव के उपाय करने चाहिए। सिर को किसी भी तरह से चोट से बचा कर रखें। बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। जिन लोगों को पहले ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक हो चुका है, उन्हें भविष्य में दूसरी बार भी इसका खतरा 25% तक हो सकता है। जीवन शैली में बदलाव करना और खान पान बेहतर रखना आवश्यक है। वहीं जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें रक्तचाप को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करते रहने चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में।